दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज करेंगे इस वीडियो में जो कि 10+2 इंटर का जो अप्लाई किया जा रहा है उसी को इसको किस तरह से अप्लाई करें इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेंगे प्लेजियस मोस्ट चैनल पर। तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके एंड्रॉयड मोबाइल में जो भी से इसको खोल सकते हैं, सबसे अच्छा है कि आप क्रोम को खोलें। तो हम क्रोम को खोलते हैं और इस तरह से खोल के आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्योंकि हम यूज करते हैं इसलिए पहले से हम इसमें आ चुका है OFSC, लेकिन यहाँ पे आपको सर्च करना है OFSS। तो ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आकर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइज, तो इस तरह से खोलकर आ जाएंगे। अगर इस तरह से खोलकर नहीं आता तो आपको होम पर जाके यहाँ पे तो आप जो देख रहे हैं यहाँ कि होम पर क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह और यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा इंटरमीडिएट कॉलेज एवं स्कूल में नामांकन के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पर आके आप क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस एक नया पेज खोलने, यहाँ पे OFSS के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने। तो यहाँ मुख्य निर्देश को आपको ध्यान से पढ़ने के बाद यहाँ नीचे आना है और यहाँ पर मैं ऊपर लिखे निर्देशक पर क्लिक करना है। उसके आवेदन करने तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक इस तरह से पेज खुलकर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर आप किस साल परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं आप यहाँ पे अपना देंगे। 2019 में किए तो 2000, अब आप अगर वार्षिक 2019 में पास किए तो आपको 2019 में लिखना है। अगर 2019 में नहीं किए हैं तो जो भी किए हैं जिस साल में वो लिखना है। तो हम यहाँ पे 2019 में किए तो 19 में आप उसके बाद यहाँ पे अपना जन्मतिथि डालना है, जो भी आपका जन्मतिथि हो। कि मेरा है 24/10। क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना रोल कोड, आपका स्कूल का जो भी रोल कोड होगा उसको यहाँ पे डालना, रोल नंबर होगा यहाँ पे डाल देना है। इसके डालने के बाद अगर आप 2019 के विद्यार्थी हैं, आपको अपना पिता का नाम, फादर्स माता का नाम लिखने की ज़रूरत और अपना नाम भी लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो अपने आप आ जाता है। हर 2019 के बाद के पहले के हैं, जैसे 2018 के आप हैं तो उसमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे रोल नंबर और रोल कोड और जन्मतिथि देंगे उसका नाम जो है अपने आप आ जाए, जैसे कि मैं दिए और यहाँ पे प्रिंस कुमार रोल मंडल, ये सब अपने आप टोटल चीज़ आ जाता है। यहाँ कितना आपका नंबर आया है टोटल चीज़ अपने आप फिलअप पहुँचता है। इस अगर आप 2019 के विद्यार्थी नहीं हैं तो आपको टोटल फिलअप करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ये 2019 का छात्र है इसलिए यहाँ डायरेक्ट ले लेता है तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए स्कूल का भी नाम, जिला का भी नाम अपने आप ले लिया गया है। किस साल विद्यालय छोड़े हैं 2019 में, इसे अपने आप ले लिया जाता है। अगर आप एक्स कैंडिडेट है, पहले 2018 या 17-16 में टोटल फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे विद्यालय का पता, जिस विद्यालय में आप पढ़े हैं उस विद्यालय का स्कूल का नाम, उसका एड्रेस देना है। यहाँ पे हम विद्यालय का पता डाल दिए हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे विद्यालय में नामांकन कब किए थे तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 2017 में विद्यालय में एडमिशन लिए थे, फीमेल मेल ये सब अपने आप आ जाता है। अगर सिर्फ आपका धर्म जो भी है यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे आप यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, जब आपका डिस्ट्रिक्ट हो वहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ पे
परखा, आपका परखंड जो भी है उसको डाल देना। डालने के बाद अपना मकान, अपना पूरा एड्रेस इसमें डालना है। तो अपना पूरा एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालना है, जैसे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, gmail.com फिलअप करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, नीचे फिर से आना है। और यहाँ पे आप किस जाति के हैं, जनरल है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जो भी है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने किस विद्यालय में, किस जिले के विद्यालय में करना चाहते हैं, उस जिला का यहाँ नाम लिखना है। जैसे हम भागलपुर जिले के विद्यालय में नाम करना चाहते हैं, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने कॉलेज, किस कॉलेज में आप नामांकन करना चाहते हैं, ये सारा कॉलेज का नाम आ जाएगा इस तरह से। जैसे कि हम यहाँ पे जिस भी कॉलेज में करना चाहेंगे वहाँ पे कर देना। जैसे सबौर कॉलेज, सबौर यहाँ पे क्लिक किए। फिर आप यहाँ पे संख्या क्या आप लेना चाहते हैं, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। हम आर्ट्स लेना चाहते थे, यहाँ पे आर्ट्स पर क्लिक करेंगे। आर्ट्स पे क्लिक कर 5 कॉलेज को चुनना होगा। तो आपको यहाँ पे चाहते हैं ये, इस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर से वही इस कॉलेज, किस जिले में, तो भागलपुर जिले में, फिर किस कॉलेज में क्लिक करना, और कौन सा कॉलेज में आप नामांकन करना चाहते हैं उस कॉलेज का यहाँ पर हम, जैसे SSB कॉलेज का अलगाव। उसके बाद यहाँ पे फिर से वही आर्ट्स, तो आर्ट्स। उसके बाद फिर यहाँ फिर से पूरा डिटेल भर देना। जहाँ आप देख रहे हैं जो भी हम कॉलेज चुने यहाँ पे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, इस तरह से कॉलेज आ गया। आपको कम से कम 5 कॉलेज को चुनना ही पड़ेगा, और अधिकतम आपको 20 आप चुन सकते हैं। इसके बाद चुनने के बाद आपको यहाँ पे एस किए थे जो आपको ना चाहते हैं आगे, तो इसको नो करना पड़ेगा। नो करने के बाद यहाँ पे दोनों, अब जो देख रहे हैं मैं ये सत्यापित करता हूँ, दोनों पे आके यहाँ छोटा सा जो बॉक्स दिखा रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर एक फ़ोटो लोड करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से खुल के आएगा, और यहाँ पर आपको चॉइस फाइल, यहाँ पे अपना फोटो चॉइस करना है, जो भी आप फोटो देना चाहते हैं। तो इस तरह से हम अपना फोटो चुनने, क्लिक करेंगे, आपका फोटो आ जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बार ओके जाएगा। अपना फोटो चुनने के बाद आपको अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फोटो आ जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बार ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से आपका फॉर्म पूरा तरह से भर दिया। अब यहाँ पे आपको लास्ट में आके आपको पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे पेमेंट पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक नया पेज खोलकर आ जाएंगे। नीचे आवेदक शुल्क 300 रुपया पर आकर क्लिक कर देना, जैसे कि हम कर रहे हैं। का है अब सिर्फ इसका पेमेंट बचा हुआ, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है पेमेंट, यहाँ पे पेमेंट फी पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से आ जाएगा यहाँ प्रोसेस टू पेमेंट, यहाँ प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आ गया है। उसके बाद यहाँ पे चुनना किस माध्यम से आप देना चाहते हैं, सहब वासुदा केंद्र या SBI पे, तो हम SBI पे करना, यहाँ प्रोसेस पेमेंट पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस तरह से पेज खुल के आएगा, टोटल इतना पेमेंट लगेगा। इसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर मांग रहा है, ये ATM से कटाना चाहते हैं ATM कार्ड से, तो यहाँ ATM कार्ड, अगर आप आधार से करना चाहते तो आधार से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना
डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना एटीएम कार्ड नंबर 8 7, इसके नाम से उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे कि अजीत कुमार के नाम से है तो अजीत कुमार यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके आ जाएगा यहाँ पे, आप जो भी आपका अकाउंट में मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर एक मैसेज आएगा, जैसे कि मेरे में आ गया है। वो मैसेज को इसमें फिर डाल देना है, 8 7 2 3 6 8 7 यहाँ पे 6 2 3 6। उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे इस तरह से खोल के आ जाएंगे। यहाँ पे आप बताए कि भुगतान सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ, भविष्य के लिए संदर्भ के लिए आवेदन प्रतिलिपि का प्रिंट आउट कर ले, प्रिंट आउट यहाँ पे कर लेना है। तो प्रिंट आउट पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से फॉर्म निकल के आ जाएंगे। आप यहाँ पे प्रिंट पर देख रहे थे, प्रिंट पर आ गया। प्रिंट करने के बाद आप मोबाइल से भर रहे हैं तो पीडीएफ फाइल से आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद ये सेफ जैसे यहाँ पे सेफ पर क्लिक कर देंगे। सेफ पे क्लिक करने के बाद ये सक्सेसफुल हो गया है, मेरा सेफ हो गया। अब इससे बाहर भी आप निकल सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के और बताएं। अगर किसी तरह का आपका दिक्कत है तो हमें कमेंट बताएं, हम उनके सहायता करेंगे कि किस तरह से आपको फिलअप करना है। तो प्ले चैनल पर आप सबका फिर से बहुत 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 धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को देखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए। तो आपसे निवेदन है कि इसे वीडियो को अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने बोले और इस वीडियो को देखने के लिए बोले और लाइक करें।